Hey everyone, I hope you all are doing good and taking good care of your health. Today I'm gonna sharing with you my beautiful these art pieces for your home decor, and I really like this beautiful art pieces, and its making process is very easy. So let's begin the video. तो सबसे पहले मैंने लिया है ये एक पत्थर, बहुत नॉर्मल सा पत्थर है, कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको कवर करेंगे हम पेपर के साथ, न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कोई भी पेपर, कोई भी रफली पेपर, आप जो आपके पास अवेलेबल हो उसको यूज़ कर लीजिए आप, राइट। और फिर उसके बाद अच्छे से इसको शेप देते रहेंगे हम, क्योंकि एक स्वान रेडी हो रही है तो मैं उसी तरीके की शेप दे रही थी। ये सिंपल सा एक एल्युमिनियम का तार है और जिसको मैंने एक डक शेप दे दिया है ऑलरेडी, तो बस इसको एडजस्ट करते हुए है और फॉइल पेपर के साथ रैप करते रहेंगे और एक जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो रेडी हो जाएगा सिंपली लाइक दिस। और इसको हम इसी तरह से रैप करते रहेंगे स्ट्रॉन्गली। Exactly something like this, and the base is almost done. So base is ready, and I show you for with close up how it look. So next step is make a wall putty. अगर आपको वॉल पुट्टी का डो नहीं आता है रेडी करना तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हो। और बस इसको रोल करना है अच्छे से और सिर्फ हमें बेस के ऊपर अप्लाई करते रहना है और शेप के अकॉर्डिंग उसको स्मूथली वाटर के साथ स्प्रेड करते रहना है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मैंने एक और स्वान रेडी किया है, जो स्वान मैंने आपको दिखाया है उससे थोड़ा सा बड़ा है, और सिंपली सेम प्रोसेस के साथ मैंने उसको भी ऐसे ही रेडी किया। मैं इस पर कर दूँगी पूरा ब्लैक कलर। तो Thank you.
Did you see how easily we can make these kinds of beautiful art pieces, beautiful pieces for your home decor? And without any investment, yes, investment is your hard work, is your creativity. It's all depend of your creativity. So I love these kinds of art pieces for my home. If you little inspired for this video, please do share picture me on my Instagram, and please share your opinions about this video in my comment section. So I hope you all like this video as well. As till then, bye bye, take care.